तो एमएस एक्सेस की हमारी है दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको एमएस एक्सेस का इंट्रोड्यूस किया था, और आज हम बात कर रहे हैं एक्सेस। एक्सेस के अंदर जब हम ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं, तो ब्लैंक डेटाबेस लेने के बाद यहां से आप ब्लैंक डेटाबेस का लोकेशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहां पे हमने नाम दे दिया और यहां से क्रिएट किया, एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, एक डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया। और यहाँ जैसे डेटाबेस क्रिएट होगा तो यहाँ पे सैंपल में टेबल आता है। अब मुझे टेबल बनानी है। तो दूसरा चीज क्या होता है कि हम बिना टेबल बनाए डेटा कैसे लेके आएंगे। बराबर तो यहाँ ऊपर में आपको एक्सटर्नल डेटा दिखेगा। तो ये दो चीजें होती है एक्सेल में, एक्सेस के अंदर, या हम तो डेटा खुद बनाते हैं या किसी डेटा कहीं से डेटा इसके इम्पोर्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप काम कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप एक एजेंसी में काम कर रहे हैं तो वहां पे मोस्टली डेटा सॉफ्टवेयर से मैनिपुलेट होके आता है। दूसरा, अगर आप एसएमई में काम कर रहे हो जहां पे हर डेटा जनरेट एक्सेल में ही हो, एक्सेस में ही होता है, जैसे कि वाउचर एंट्री हो गई या डेटा एंट्री हो गई उससे, तो वहां तो हम अपना टेबल क्रिएट कर करके उसके अंदर डेटा एंट्री करते हैं जैसे एक्सेल में होता है। लेकिन जब डेटा इम्पोर्ट आएगा तो यहाँ पे डेटा सोर्स में जाके फ्रॉम फाइल, अब यहाँ पे फ्रॉम फाइल हो गया, फ्रॉम डेटाबेस हो गया, ऑनलाइन सोर्सेज हो गया जैसे कि डेटा सर्व, शेयर पॉइंट, डेटा सर्विस जैसे, या अदर सोर्सेज में जैसे कि आपकी ओटीबीसी या आउटलुक का फोल्डर हो गया। तो ये सब चीजों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले आते हैं फ्रॉम फाइल पे। फ्रॉम फाइल पे आने के बाद हम यहाँ एक्सेल पे क्लिक करते हैं, ब्राउज पे जाते हैं और अपना एक्सेल फाइल हम सिलेक्ट करते हैं, जो भी एक्सेल फाइल हमारा है उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि आप डेटा कॉपी पेस्ट कराने वाला सिस्टम चाहते हैं या लिंक सोर्स चाहते हैं। अगर आप इंपोर्ट सोर्स डेटा इनटू न्यू टेबल एज अ करंट डेटाबेस, अगर ऐसा करते हैं तो एक नया टेबल बनेगा, उसमें डेटा आ जाएगा। हालांकि वो भी लिंक होगा, लेकिन उसपे हम आप कुछ अपने हिसाब से भी ऐड वैड कर सकते हैं, कुछ डिलीट सिलेक्ट कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब लिंक कर देगा तो समझिए तो एक तरह से एक्सेल का यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा, मतलब कि उसका लिंक हो जाएगा, आपको कुछ उसमें चेंज नहीं करना कर पाएंगे। तो सर मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, बोलिए। जो हमारी फील्ड सपोज एक्सेस जो टेबल में हमारी जो फील्ड रहेंगी सपोज नेम है, बट यहाँ पे तो एक्सेस में तो हमने कोई फील्ड बनाई नहीं है, तो वो फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। हाँ, जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए ना, यहाँ ओके करता हूँ मैं, क्या दिख गया। अब कौन सा सीट का डेटा चाहिए, तो सीट वन का डेटा चाहिए, ये जो भी सीट चाहिए सारा सीट दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो कंटेन कॉलम हेडिंग, दिख गया ना सर। और इसे क्या सीख रहे हैं कि जिस फाइल को आप यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं उस फाइल का पहला रो जो है से ही डेटा स्टार्ट होना होगा। बहुत सारे पता है कि हम ऊपर में हेडिंग वेडिंग लिख दिया, मैं लिख दिया, टाइटल वेटल लिख दिया, नीचे फिर डेटा स्टार्ट किया, वहां पे दिक्कत होगा, तो ऐसे फाइल पे अवॉइड करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपना एक प्राइमरी नंबर यहाँ ऐड कर रहा है। ठीक है ना, फिर प्राइमरी नेक्स्ट नंबर जैसे कि यहाँ पे आईडी ऐड कर रहा है ना, आपने एक आईडी का कॉलम ऐड कर दिया नया यहाँ अच्छा पे। डू नॉट इंपोर्ट दिस फील्ड, हटा दीजिएगा तो हट जाएगा। ओके ओके यहाँ पे डू नॉट इंपोर्ट दिस फील्ड कर दिया, फिर नेक्स्ट ये देखिए। ठीक है, जी एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। अब इसमें होता है कि आपको इस फाइल से बराबर डेटा लाना पड़ता है, तो हर बार एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो आप स्टेप्स को सेव कर लीजिए इंपोर्ट डेटा के नाम से और सेव इंपोर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जैसे आप यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे सेव इंपोर्ट पे जाएंगे और इसको जस्ट रन कर देंगे। और ये देखिए आपका डेटा आ गया। ठीक है, हाँ तो ये फील्ड्स की प्रॉपर्टीज वगैरह अपने आप डिफाइन हो गई, मतलब जो
हाँ प्रॉपर्टी अपने आप जो जैसा डेटा था ना उस डेटा के हिसाब से अपने आप को डिफाइन उस करता है। डेटाबेस में। हाँ मतलब डिजाइन व्यू में डिजाइन प्रॉपर्टीज दिखेंगी क्या सर अभी इसकी? व्यू में सपोज डेट वाली फील्ड है जैसे। हाँ, राइट क्लिक करके डेट नहीं दिया इसने, डिजाइन व्यू में आइए आप और डेट का जैसे है इसकी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे डेट है तो इसको मैं नंबर करना हो गया, नंबर की जगह पे डेट टाइम करना है, तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। जी यस तो अब अभी देखिए ऑटोमेटिक चेंज ऑटोमेटिक रहेगा चेंज फिर। हो चेंज हो गया, जी चेंज हो गया। समझे। लेकिन कई बार क्या होता है कि डेटा हमें एक्सेल से कॉपी, हम इतना प्रोसीजर नहीं करते, एक्सेल सामने खुला हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, क्या लिख देता हूँ उस जैन फाइव का सेल, मान लीजिए जैन जी जैन फाइव मार्च का सेल लिख देता हूँ। जी एलिशा जी अब मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया जी और न्यू यहाँ पे गए टेबल, और इन दोनों को इस तरह सिलेक्ट कीजिए, चलिए इसको कीबोर्ड से कीजिए, माउस से नहीं, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। बट इसमें नेम नहीं आया, जी नेम नहीं आया। हाँ ये क्या होता है कि जब आप नहीं कॉपी करते हैं ना तो पहला आपको स्किप कर देता है, पहले सेल को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। स्किप कर देता ओके है। ओके तो इसलिए तो क्या इम्पोर्ट ही करना, करना इम्पोर्ट ही चाहिए। करना चाहिए। नहीं ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे जरूरी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए उसका तरीका है ना, आप क्या करें एक्सेल पे एक रो इंसर्ट कर ले, एक एक रो आप यहाँ इंसर्ट कर ले, ओके एक कॉलन ओके इंसर्ट कर ले, और हाँ एक अब ब्लैंक ले कर दे, वो ब्लैंक को ब्लैंक स्किप करेगा ना वो। जाएगा। सर आपने जो बोला कि भाई ऐसे ही करना चाहिए, तो वो अगर अलग स्टेट के लोग सोचते हैं, हम बिहारी क्या करते हैं, हम तरीका खोजते हैं, जुगाड़ खोजते हैं, जी एक समझ गया ना। क्वेश्चन है सर मेरा और बोलिए कि हम जो एक्सेस जब ओपन करते हैं तो हर हर डेटाबेस में आईडी पहला फील्ड रहता जी हाँ, है। मैं इसको चेंज मैं नहीं इसको कर चेंज सकता नहीं हूँ कर क्या? सकता मतलब हूँ मुझे आईडी अगर लगे, यार आईडी यार, रखना आईडी ही है रखना ही है मुझे मुझे, कुछ देखिए डेटा लिंक करने के लिए या रिलेशन टेबल रिलेशनशिप करने के क्या लिए। होता है, क्या होता है, जैसे कि आप रजिस्टर में कुछ एंट्री करते हैं या कोई लिस्ट बनाते हैं, जी तो हमारी हैबिट क्या होती है, सीक्वेंस देने सीक्वेंस की कोशिश, सीरियल नहीं नंबर आप हैबिट होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके डेटाबेस में एक यूनिक आईडी अगर होता है, नहीं है तो आप सीरियल नंबर के थ्रू बना दीजिए, है तो उसको डाल दीजिए, आईडी की जगह पे एम्प्लॉय आईडी, अकाउंट नंबर जैसे चीजें डाल देंगे, तो क्या होगा कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा, क्योंकि नाम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं ना। पूजा 3 बार है, अब किस टाइप, अब मान लीजिए पूजा 3 बार आ गया और किसी पूजा को आइडेंटिफाई करना है तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, कौन पूजा है। तो पहला फील्ड जो पहला रहेगा फील्ड वो जो रहेगा हमेशा वो हमेशा हमेशा एक हमेशा ऐसा फील्ड रहेगा जो यूनिक रहेगा। क्या, पहला फील्ड इसलिए डालते हैं क्योंकि पहले हम लोग वी लुकअप लगाते हैं, तो वी लुकअप हमेशा पहले फील्ड को ही में ही आईडी को ढूंढता है। तो ठीक है, जी इसलिए हम लोगों ने हैबिट बना लिया ताकि जब वी लुकअप लगाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। बट एक्सेस में तो वी लुकअप नहीं लगेगा ना। हाँ एक्सेस में वी लुकअप नहीं लगेगा, लेकिन हैबिट तो हैबिट ही होती है ना, और एक्सेस ऑलरेडी उससे चीज होती है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिना यूनिक आईडी के लगेगा ही नहीं। हाँ वही मतलब हाँ रिलेशनशिप वगैरह के लिए यूनिक आईडी चाहिए ही तो चाहिए। ये वहां पे वी लुकअप हो गया, तो यहाँ समझिए रिलेशनशिप हो गया। तो मतलब ये रूल है कि एक्सेस के डेटाबेस में पहला फील्ड जो होगा वो प्राइमरी फील्ड ही होगा और वो यूनिक यूनिक होगा। हाँ होना ही चाहिए। जी जी छोड़ दो ओके वहां चेयर पे, जी समझ गए। जी तो एक्सेल से डेटा आप अपने इस पे कैसे लाएंगे, समझ में आ गया। आ गया तो एक तो इंपोर्ट सिस्टम है और दूसरा कॉपी पेस्ट सिस्टम है।
अब यहाँ पे कॉपी क्वेश्चन पेस्ट करके आता है डाल। कि मेरा डेटा एक्सेल पे नहीं, मेरा डेटा नोट पैड पे। ओके अब बोलेंगे सर नोट पैड पे डेटा क्यों होता है? कई ओके बार नॉन फॉर्मेटेड टेस्ट जो होके आता है, मतलब कि कई बार जिस क्या होता है कि पहले हम लोग इसका यूज करते थे, क्योंकि पहले क्या थे कि मेल पे 2 MB से ज्यादा फाइल नहीं जाती थी, तो बड़े डेटा को एक्सेल में डाल के भेजते थे तो प्रॉब्लम हो जाती थी, जी तो वहां हम इसको नोट पैड में डालते थे। ठीक है, जी तो अगर आपकी डेटा नोट पैड में, इसी को कॉपी करता हूं मैं और नोट पैड में, पेस्ट कर दिया, ये थोड़ा सा जी बढ़ गया है, सॉरी इसकी गलती नहीं है, इसकी गलती हमारे एक्सेल की है, एक्सेल में थोड़ा सा साइज को बढ़ाना होगा, इसको सेंटर कर दिया, ठीक, कॉपी एंड पेस्ट, प्रॉब्लम। अब मुझे इस डेटा जो आपको दिख रहा है, इस डेटा को नोट पैड पे देना है, तो नोट पैड के डेटा गुड को कॉपी कर लेते हैं और आप जाते हैं यहाँ क्रिएट में, टेबल इसको सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी ब्लैंक वाला सिस्टम अप्लाई होता है, लेकिन सबसे बेटर होगा कि आप एक्सटर्नल डेटा में जाए और यहाँ से इंपोर्ट करें। इंपोर्ट में आप टेक्स्ट फाइल को भी इनपुट कर सकते हैं, एक्सेल भी कर सकते हैं, और कोई एचटीएमएल जी का पेज है उसको भी कर सकते हैं। जी सर, वो सर मेरा क्वेश्चन है, वर्ड फाइल्स में अगर कोई डेटा है वो कर सकते हैं क्या? नहीं, वर्ड फाइल नहीं कर सकते, वर्ड फाइल में नहीं वर्ड कर फाइल में नहीं कर सकते। सकते। ओके, तो जो प्रॉपर जो टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर डेटा फॉर्म में होगा डेटा वही होगा होगा वही इधर होगा। एक्सेस में वो। देखिए डेटाबेस है तो एक प्रॉपर डेटाबेस को ही रेफर करेगा। जी मतलब जी टेबल मतलब फॉर्म में टेबल ही जो फॉर्म में होगा जो वही होगा डेटा आ वही डेटा पाएगा। होगा। जी हाँ बिल्कुल, जी, ओके ओके। जी, चलिए तो डेटा इंपोर्ट करना सीख गए। अब बात करते हैं कि मुझे अगर टेबल खुद से बनाना है, तो खुद से हाँ टेबल जी, बनाना है तो दो तीन चीज आपको पहले रिसर्च करनी है कि टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड होगा, किस फील्ड के अंदर किस तरह का डेटा होगा और इसमें क्या वैलिडेशन होगा, ये आपको पहले डिसाइड करना है। ये जब डिसाइड करेंगे तभी आप इसके अंदर टेबल बना सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा टेबल हम बनाते हैं, टेबल पर क्रिएट करेंगे, इसके बाद इसके व्यू में जाएंगे, डिजाइन व्यू को सेलेक्ट करेंगे, टेबल का नाम डालेंगे। अब यहाँ है ये आईडी बाई डिफॉल्ट आता है तो आप इसको हटा सकते हैं, ऑटो नंबर होता है, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने नेम, यहाँ पे जैसे मैंने नेम लिख दिया, अब नेम लिखते ही यहाँ पे आएगा एक मैसेज। ऐसा नहीं कि नेम हम नाम का नेम नहीं दे सकते, दे सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि नेम जो है रिजर्व वर्ड, सिस्टम इसको यूज करता है। ठीक है, इसलिए नेम मत डालिए, मतलब डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं। ठीक है, ओके अब यहाँ पे आता है नेम, नेम में क्या डेटा टाइप है, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट जिसकी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फील्ड साइज बाय डिफॉल्ट 255 है, 255 फिल साइज मतलब 255 करेक्टर, कितना करेक्टर, दो जी, सौ दो पचपन सौ पचपन करेक्टर करेक्टर लंबा नाम हम लिख हम सकते लिख हैं। सकते हैं। जी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखा। ठीक है, मोबाइल नंबर में अब यहाँ पे भी बोलते से मोबाइल नंबर का नंबर है, यहाँ पे नंबर दे दीजिए। तो ये क्या है कि हम यहाँ पे नंबर उसी को देते हैं जो कैलकुलेटिव होता है, जिसकी कैलकुलेशन करनी, नल कैलकुलेशन, जैसे अकाउंट नंबर हो गया, जैसे मोबाइल नंबर हो गया है, इस चीजों को हम शॉर्ट टेक्स्ट ही देते हैं, लेकिन यहाँ अपना फील्ड साइज डिफाइन कर लेते हैं 10, कि 10 डिजिट से ज्यादा टाइप नहीं।
लेकिन कई बार क्या होता है ओके कि हम ये देना चाहेंगे कि ना 10 से ज्यादा ना 10 से कम, एग्जैक्ट 10, क्योंकि यहाँ अगर 10 कर दिया तो कम से कम मैक्सिमम 10 हो, मिनिमम वो एक भी डाल सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएशन सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम आगे क्लास से बताएंगे आपको, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे सिटी। अब सिटी टाइप करना तो ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ सिलेक्टेड लिस्ट है, मैं वो जानना चाहता हूँ। तो ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे आपका आता है, वो आता है लुकअप विजार्ड। जी इस लुकअप विजार्ड पे क्लिक करें। अब यहाँ पे दो चीजें, एक कि आप किसी टेबल से या किसी क्यूरी से इंपोर्ट करना चाहते हैं लिस्ट, या खुद टाइप करना चाहते हैं। तो अभी मेरे पास कोई इंपोर्ट करने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आई विल टाइप कर रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिस्ट डाल देते हैं अपना, जैसे कि मैं डाल दिया दिल्ली, मैं डाल दिया यहाँ पे पुणे, मैं यहाँ पे डाल दिया कानपुर, मैं डाल दिया उदयपुर, मैं डाल देता हूँ जयपुर, नोएडा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे फिनिश। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट, और अमाउंट का हमेशा नंबर में आएगा, नंबर हो जाएगा। यहाँ पे डेट, और डेट के लिए, अब डेट भी रिजर्व वर्ड है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें डाल देंगे डेट। अब यहाँ से इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, अब यहाँ डेटा पे जाइए, ये रहा। तो डिफाइन करने से क्या होगा कि इसमें मैं, जैसे मैं लिख दिया पूजा, और यहाँ पे नंबर हम कम डाल सकते हैं बट ज्यादा नहीं। जैसे ज्यादा डालेंगे, और यहाँ पे देखिए स्पेस दे रहा है, लेने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सिटी जिसका ड्रॉप डाउन आ गया, अमाउंट, इसमें हम कोई करेक्टर डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे अमाउंट नंबर ही चाहिए। ठीक है, और डेट में हमें इस तरह का ड्रॉप डाउन दे देगा, जहां से हम अपना डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। समझे सर? जी, डेट में हाँ ड्रॉप डाउन आ गया आगे ना,